नमस्कार दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं है ना, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक नया अपडेट आया है, जिसमें 31 जुलाई 2023 तक जिन लोगों का आधार कार्ड से उनका पैन कार्ड लिंक नहीं होगा, तो उन सभी लोगों का पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। और इससे आपको नुकसान क्या क्या होने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। ना ही तो आप किसी बैंक में नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जी हाँ, खाता नहीं खुलवा सकते हैं, और 50,000 से ज्यादा का लेन देन भी नहीं करवा सकते हैं, और ना ही आप जीएसटी आईटीआर फाइल कर पाओगे। कुल मिलाकर आपका जो पैन कार्ड है वो पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, कोई भी काम आप अपने कार्ड से नहीं करवा पाओगे। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने की पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आप घर बैठे आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करवा सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से चेक भी कर सकते हो कि आपके आधार कार्ड से आपका पैन कार्ड लिंक है या नहीं। क्या पता पहले से ही आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो और आप फालतू में ही टेंशन ले रहे हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और वहां पर सिंपली सर्च करना है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स सर्च करते ही सिंपली यहां पर नीचे की तरफ आपको दूसरी वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है, होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बाकी इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्विक लिंक्स, इसके नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप लोगों को पहले मैं ये बता देता हूँ कि आप किसी तरीके से ये चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक है या फिर नहीं है। क्या पता आपके आधार कार्ड से आपका पैन कार्ड पहले से ही लिंक हो और आप फालतू में ही परेशान हो रहे हो। पहले मैं आपको चेक करने का प्रोसेस बताता हूँ किस तरह से आप ये चेक कर सकते हैं। आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिंक आधार स्टेटस का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है लिंक आधार स्टेटस का। आपको नीचे की तरफ आना है, आपको अपना पैन नंबर डालना है और यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है। आपको यहाँ पर व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर स्टेटस चेक करके लाइव बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को सब कुछ अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आप लोग देख सकते हैं कि जो डिटेल्स है मैंने यहाँ फिल कर दी है, अपना आधार और पैन नंबर। अब हम यहाँ पर व्यू लिंक स्टेटस पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो मेरे आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योर पैन नंबर इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार। तो इसका मतलब ये है कि मेरा आधार कार्ड से पैन कार्ड ऑलरेडी लिंक है। अगर आपका लिंक नहीं है तो यहाँ पर नोट फाउंड या नोट लिंक ऐसा आ जाता है। अगर ये ना आए तो सोच लेना आपका लिंक नहीं है। अब चेक करने का प्रोसेस तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड से आपका पैन कार्ड लिंक है या नहीं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह से आप अपने आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं घर बैठे मोबाइल फोन से। तो आपको फिर से उसी वेबसाइट पर आ जाना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। आपके सामने दोबारा ऑप्शन मिलेगा क्विक लिंक्स, इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिंक आधार। अब उस इसको आप क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो बहुत सिंपली प्रोसीज है, मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा, ध्यान से सुनना। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लिंक आधार का, आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर डाल देना है, नीचे की तरफ पैन कार्ड नंबर डाल देना है, और यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है, और पैन और आधार कार्ड नंबर दोनों डाल देने हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ जरूरी चीज बता देता हूँ जो हर एक मेंबर को आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करते समय पता होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है नोट, फॉलोइंग कैटेगरीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आधार पैन लिंकिंग। कुछ कैटेगरी के लोग हैं जिनको आधार से पैन कार्ड लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें नंबर वन लिखा हुआ है NRIS, जो भारतीय निवासी नहीं है, जो भारत के मूल निवासी नहीं है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है नोट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि भारत के सिटीजन नहीं है, मतलब इंडिया के सिटीजन नहीं है। और यहाँ पर तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है 80 ईयर्स एज ऑन डेट, जिनकी जो उम्र है वो 80 साल से ऊपर है, उन्हें भी ज़रूरत नहीं है। और नंबर चार पे लिखा हुआ है स्टेट ऑफ रेजिडेंसी इन असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर, जो असम मेघालय और जम्मू कश्मीर के निवासी है उनको भी अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक कराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो हम सिंपली यहाँ वेबसाइट पर आ जाते हैं और आपको यहाँ पर पैन नंबर और आधार कार्ड नंबर अपना दोनों यहाँ पर डाल देने हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक वैलिडिटी का ऑप्शन आएगा, तो उसको वैलिडेट करने के बाद में हम उसको वैलिडेट कर देंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन प्रोसेस दे रखे हैं, एंटर डिटेल्स हो गया, वेरिफिकेशन हो गया और स्टेट्स हो गया। यहाँ पर हम ये तीनों अपना आधार कार्ड पैन कार्ड नंबर डालेंगे तो हमारा वेरिफिकेशन हो जाएगा, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर पूरे तरीके से अपना प्रॉपर यहाँ पर आधार कार्ड जो है वो पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।